मेरे हाथ में आप लोग मीटर देख रहे हो, ये नया मीटर नहीं है, सिर्फ इसकी जो प्लास्टिक और शीशा कांच है वो नया है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल नया मीटर लग रहा है। जो पुराना वाला मीटर है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले जो मीटर था वो कैसा है, और अभी हम इसको चेंज करने के बाद ये बिल्कुल नया दिखने लगा, बिल्कुल न्यू लगने लगा, ऐसा लग रहा है नया ही मीटर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आज मेरे पास होंडा की सीबी साइन बाइक है, और इस बाइक का जो मीटर है, मीटर बिल्कुल खराब गंदा दिख रहा होगा आप लोगों को, पूरा जमा हुआ, ये मट्टी नहीं, ये अंदर से मट्टी जमा हो गई है बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा मीटर में। तो इसका जो मीटर है मैं पूरा कंप्लीट जो है बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं इसे पूरा बाहर निकाल लेता हूँ मीटर को, और फिर आप लोग देखो इस मीटर की हालत ऐसी हुई है, इसकी जो नीचे की वाइट कलर की प्लास्टिक होती है वो टूट गई है। टूटी कैसे, क्योंकि इस बाइक का हुआ था एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये बाइक गिर गई थी, गिरने की वजह से इसकी जो फाइबर है वो टूट गया था, और जो वाइजर है वाइजर वो टूट गया था। इसके मीटर की हालत आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो इस साइड से ये पूरा टूट गया है, ये प्लास्टिक जो लगी होती मीटर की, ये पूरी मीटर की प्लास्टिक जो है टूट गई, इस वजह से मीटर बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा होगा, देखो बहुत ज़्यादा गंदा है। अब इसकी जो प्लास्टिक है न्यू पड़ने वाली है, पूरा जो कंप्लीट हाउजिंग है वो नई पड़ेगी इसमें, और मीटर वही रहेगा, जो मीटर लगा हुआ मीटर वही है, सिर्फ कंप्लीट हाउजिंग इसमें चेंज होगी और मीटर बिल्कुल नया हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास ऐसी समस्या है मीटर की, तो आप लोग नया मीटर केस चेंज करवा सकते हो। यहाँ पे देख प्राइस वगैरह भी देख लो, और ये जो मॉडल है 2016 मॉडल की साइन है, और 2016 मॉडल का मीटर केस है। तो ये हाउजिंग को पूरी जहाँ पे पन्नी लगी हुई इसे मैं निकाल लेता हूँ, और ये जो हाउजिंग है, इस हाउजिंग में पुराना वाला जितना भी सामान है इसमें फिटिंग करना है। पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा, देखना मीटर बिल्कुल नया हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मीटर पुराना है, सिर्फ हम इसकी हाउजिंग चेंज करेंगे। तो फटाफट से इसके स्क्रू खोलते हैं, चार स्क्रू को खोलते हैं, और जो ये कांच है कांच को बाहर निकाल लेते हैं, स्क्रू खोलना है, स्क्रू खुल गए, इस कांच को इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। अभी हम इसे साइड में रख देते हैं, जो पुराना वाला है सेम उसी तरीके से खोलेंगे, इसको भी चार स्क्रू खोलते हैं, और इसका जो मीटर है कंप्लीट हम उसमें फिटिंग कर देंगे, बिठा देंगे। अभी इसका भी मैं कांच बाहर निकाल लेता हूँ, ये निकल गया कांच, बहुत ज़्यादा गंदा है कांच, और ये टूट गया है, कांच भी टूटा है, नीचे का जो केस है मीटर वो भी टूटा हुआ है। तो अभी इसकी जो दो सुई है, सुई को निकालना पड़ेगा, जो फील्ड वाली सुई है उसे निकालते हैं, और जो मीटर स्पीड मीटर वाली सुई है उसे निकालते हैं। निकालने का बिल्कुल तरीका आप लोग सीख लो, थोड़ा सा भी इसमें लापरवाही करोगे टूट जाएगी सुई। तो इसको जब निकालना है तो पतला स्क्रू ड्राइवर ले लेना, और सुई को टच नहीं करना, बीच में पकड़ना, जैसे मैं पकड़ा हुआ हूँ आप लोग देख रहे हो इसी तरीके, सुई को टच हल्का से भी हुआ, अगर स्क्रू ड्राइवर भी हल्का सा हुआ सुई में टच, तो टूट जाएगी सुई। मेरा हाथ थोड़ा सा टच हुआ तो टूट जाएगी, ये देखो बिल्कुल आराम से निकल गई ये सुई फील वाली, ये देखो। अगर मैं इसे यहाँ पे टच कर दूँ ये लाइन पे, ये सुई पे, तो टूट जाएगी बिल्कुल, ये समझ लो बेकार ही होती है यार, थोड़ा सा हाथ लगा टूट जाती है। मैं काफ़ी ज़्यादा मुझसे टूटी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं टूटी है, टूटी है। अब ये वाले को भी देखो उसी तरीके मैं निकाल रहा हूँ, सुई में एक जरा से भी मैं इसमें थोड़ा सा भी वो नहीं आने दे रहा हूँ कि सुई टूटे, देखो ये भी निकल गई बिल्कुल आराम से। अब यहाँ पर हमें चार स्क्रू खोलना पड़ेगा, तो चलो चार स्क्रू जो पतले पतले लगे हुए हैं यहाँ पर, चार स्क्रू खोल के इसका ऊपर की जो बॉडी वो बाहर निकाल लेते हैं। इस प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं, ये प्लेट को पानी से धुल लोगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, तो मैं इसे फटाफट से देता हूँ, पानी से धुल के आ जाएगी, ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। अब इसके बाद सबसे पहले हमको खोलना है यहाँ पे इस वाले मीटर को, जो स्पीड वाला मीटर है, स्पीड वाली मशीन को खोलना है। दो स्क्रू होते हैं, दो स्क्रू खोल के मशीन को बाहर निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे दो स्क्रू हैं, ये निकाल लिए बाहर, दो स्क्रू को निकाल लेते हैं। अब क्या करना है कि जैसे जैसे खोलना वैसे वैसे नए वाले में फिटिंग करते जाना है। तो चलो नया वाला ये है, तो मैं जो खोलूँगा वो फिट करते चला जाऊँगा, खोल के सारा कुछ नहीं फैलाऊँगा,
जैसे जैसे खोल रहा हूँ, एक चीज खोल रहा हूँ तो एक चीज फिट कर लूंगा, फिर उसके बाद दूसरा चीज खोलूंगा दूसरा चीज फिट करूंगा। चलो अभी इसको भी फिट कर लेते हैं। तो एक तो मीटर हमारा लग गया, अब हम फ्यूल वाला मीटर खोलते हैं, पेट्रोल वाला मीटर, ये वाला मीटर खोलते हैं। चलो इसको यहाँ से खोलना, तीन स्क्रू हैं इसमें, तीनों स्क्रू को खोलना है और मशीन को बाहर निकाल लेना बिल्कुल प्यार से। इसको मैं पकड़ के सिर्फ उठा लूँगा, ये मशीन निकल जाएगी। ये निकल गई, अब यहीं पे समझना यहीं पे सारा खेल होने वाला है। चलो मैं इसे निकाल के साइड में रख देता हूँ कहीं पे, ये इसमें बैठेगी। जैसे जैसे खोलना वैसे वैसे इसको बिठाते चले जाना है ये यहाँ पे। अब हमको जो पुराना वाला है केस, उसके सारे होल्डर जो लगे हुए बल्ब और होल्डर, उसे निकालना है। जितने भी होल्डर और बल्ब हैं इसे निकालना है। तो ये निकलेंगे कुछ इस तरीके से, खींचना है ये इस तरीके से, खींच के सारे होल्डर को निकाल लेना है। चलिए यहाँ पे स्क्रू और वायरिंग फंसी हुई है यहाँ पे, इसे निकाल लेते हैं। मैंने आमने सामने दोनों को रख लिया, अब मैं पूरा कंप्लीट इस तरीके से उठाऊंगा। ये देखो इस तरीके से मैं पूरा कंप्लीट उठा रहा हूँ, बस इसमें सिंपल सा बिठा देना है। देख लो वायर को भी प्रॉपर देखे रहना कौन सी वायर किस जगह पे थी। बाकी ये देखो होल्डर सारे ये लग गए, कोई सा भी होल्डर जो है इधर उधर नहीं हो सकता, मतलब कि कोई भी लाइट दूसरी नहीं जल सकती। जो चीज़ जहाँ से निकले वहीं से निकाल के वहीं पे लगा देना। पूरा कंप्लीट वायरिंग मैंने उठाया और सामने मैंने इसीलिए रख दिया था कि यहाँ से उठा के सीधा सामने वाले पे रख के डायरेक्ट लगा देना है। तो अभी मैं सारे होल्डर को दबा लेता हूँ, बैठ जाएं। अभी ये जो पुराने वाला है इसका काम ख़त्म हो गया, अब इसे साइड में रख देते हैं। नए वाले में हमने सारा सामान जो है फिट कर दिया, सिर्फ मशीन बाकी है फ्यूल वाली। तो ये मशीन को फिट करना है, बाकी जो होल्डर वायरिंग जो थी बल्ब वगैरह सारे लग चुके हैं। अब मैं इसे यहाँ पे स्क्रू देखो मैं लगा के रखा हूँ, उसी होल पे स्क्रू को डाल के रखा हूँ जहाँ से निकाला था, क्योंकि ये बाद में अगर वायर एक भी वायर इधर उधर हुई तो फिर फ्यूल वाला प्रॉब्लम करेगा। तो अभी इसे लगाते हैं और इसे टाइट करते हैं बिठा के ये मशीन को। जो फ्यूल वाली मशीन थी वो भी लग गई है, तीनों स्क्रू यहाँ के टाइट हो गए हैं। अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे वायरिंग का लिखा हुआ रहता है, येलो ब्लैक जो भी है सब यहाँ पे जो है लिखा हुआ रहता है, उसमें वायर लगा देना है। बाकी अब मैं इसे सीधा कर लेता हूँ ये। अब इसका ऊपर वाली जो ब्लैक वाली प्लास्टिक थी वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये बिल्कुल क्लीन हो गई है, ये नई नहीं है, ये पुरानी ही बॉडी है, नई नहीं है ये वाली, मैंने पानी से क्लीन करवाया है, पूरा क्लीन हो गया ये पानी से। देखो बिल्कुल नई जैसी लगने लगी है। अब इसे हम यहाँ पे देखते हैं ये किस तरीके से बैठेगा, इस तरीके से नहीं ये ऐसे बैठेगा। चलो ये हो गया, चलो इसे बिठा के इसके जो दो स्क्रू हैं वो हमें टाइट करना पड़ेगा, दो नहीं नहीं चार स्क्रू हैं इसमें, तो चारों स्क्रू को अब मैं टाइट कर लेता हूँ। जो पतले पतले स्क्रू थे बहुत छोटे छोटे, इनको यहाँ पे लगा के टाइट करते हैं। यहाँ पर चारों स्क्रू टाइट हो गए, अब मीटर सुई लगा लेते हैं, थोड़ा सा कपड़ा मारते हैं, ये मीटर सुई लगाते हैं, जो जिधर की थी उधर ही लगाना है। चलो ये छोटी वाली है तो ये है फ्यूल की, जो बड़ी वाली डंडी की सुई होगी वो होगी हमारे स्पीड मीटर की। तो फ्यूल वाली पहले लगा लेते हैं, कुछ नहीं है यार इसे लगाना। देखो बस इसे क्या करना है, यहाँ पर रखना है, निकालते टाइम पर प्रॉब्लम होती है, लगाने टाइम पर प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसे यहाँ पे दबा देना, प्रेस कर देना, ये बैठ गया। ये देखो ये मुझे लगता है ख़राब भी हो गई है ये, क्योंकि ये रिटर्न नहीं आ रही है। ये मुझे तो लगता है ये मशीन ख़राब हो गई है, क्योंकि ये रिटर्न आ जानी चाहिए, ऊपर जैसे ही जाती है तो नीचे आ जाती है। ये वाली सुई देखना, जब मैं लगाऊंगा और इसे घुमाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगी जीरो पे। चलो मैं इसे लगा के जीरो पे रखता हूँ, जीरो पे रखना है बिल्कुल, इसे जीरो पे कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, बस इसे दबा देना है। ये देखो रिटर्न आ रही है, ये बिल्कुल ये मीटर चलेगा, वो मीटर मेरे ख्याल से नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये ठीक है, ये वाला ख़राब है फ्यूल वाला। इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये मीटर जाम हो चुका है फ्यूल वाला। थोड़ा सा हम इसमें कपड़ा मारते हैं और फिर ऊपर का जो ग्लास है, ये ग्लास को पन्नी यहाँ पर लगी, इस ग्लास को यहाँ पर
अटैच करते हैं और उसके बाद जो चार स्क्रू थे वो लगा के टाइट करते हैं। देखो अभी मीटर जो है बिल्कुल न्यू जैसा हो गया। तो ये लो भाई कंप्लीट मीटर हो चुका है। अब मैं इसे बाहर ले जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये बिल्कुल मीटर नया दिखेगा, पुराना कोई भी सामान नहीं इसमें, ऐसा लगेगा कि नहीं है आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना। बाकी देखो मीटर, देखो पूरा नया आगे से लेके पीछे तक पूरा नया ही दिख रहा है। बाकी इसमें हमने सिर्फ चेंज किया है जो मीटर का फाइबर होता है पूरा वो चेंज किया, मीटर केस मीटर की बॉडी पूरी चेंज किया, बाकी सामान जो है वो पुराना ही लगा हुआ है। देखो बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू ही लग रहा है यार, ये पुराना कोई बोल ही नहीं सकता। बाकी चलो इसे फिटिंग करते, कंप्लीट फिटिंग यहाँ पे करते। इसका वाइजर मैं आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार, वाइजर की हालत क्या हुई थी। ये देखो तार वगैरह से इतना ज़्यादा ये कम बांधा हुआ है, देखो बहुत ज़्यादा। तो ये वाइजर नया पड़ेगा, वाइजर मीटर केस नया फिटिंग कर लेते हैं, फिर आप लोगों को कंप्लीट करके बाइक दिखाते हैं। मैंने बाइक को कंप्लीट कर दिया है, वाइजर इसमें नया डल गया है, वाइजर नया डला है, लाइट पुरानी। और मीटर की बात करें तो मीटर देख लो बिल्कुल दिख रहा होगा आप लोगों को नया जैसा। तो अगर ये कभी कभी क्या होता है कि ये पीला जो ग्लास है वो पीला पड़ जाता है, येल्लो टाइप में हो जाता है, तो मीटर का केस आता है वो आप लोग डलवा सकते हो, न्यू मीटर का उठा सकते हो आप लोग लाभ। बाकी चलो ये वीडियो करते हैं एंड। बाकी मीटर तो नया जैसा हो गया है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। वीडियो करते हैं एंड। वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताना ये वीडियो कैसी रही। बाकी आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कर ही लेना।